मार्शला है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरे जी जी So, यार अभी हो रहे हैं 2:40-45 और शहरी में तकरीबन 1.5 घंटा है। रात से ना मेरा मीठा खाने का दिल कर रहा था, मैंने नुमान को कॉल की कि भाई इस टाइम मीठा कहाँ मिलेगा। उसने कहा कि भाई हीराबाद चले जाओ, रात के टाइम वहाँ पे गरम गरम रसगुल्ले निकलते हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, फिर आगे सैरी करते हैं। पार्सल वाली कहानी आगे सुनाता हूँ। वैसे वीडियो का जो मूड है वो थोड़ा स्मोकी होगा, तो हम चलते हैं मीठा खाने और देखें बाहर के क्या हालात हैं, देखें सैरी के सीन्स कैसे होते हैं भैया बाहर में। तो चलो तीन बजे आज पहली दफ़ा बाहर निकले हैं, मतलब बाहर कोई भी नहीं, हमारे एरिया में तो कोई भी नहीं था ये, तो फिर भी आगे जाके कुछ लोग यहाँ पे हैं, नाश्ता वगैरह चल रहा है। हाँ, सीन ये है कि नुमान को मैंने उठा लिया, अब थोड़ी सी हवा आ रही होगी क्योंकि हमारा हेलमेट में माउंट नहीं है, हेलमेट डाला हमने जिसना अभी करेंगे। नुमान को हमने उठा लिया, लेकिन जब मैं नुमान को उठाने जा रहा था ना, बीच में इतने कुत्ते थे, एक दफ़ा तो पीछे लग गया, बच गया। मतलब रात को इतना अंधेरा हो जाता है, ये तो वो बात होगी कि बारिश आती है पानी आता है, या रात का अंधेरा तो होता ही है, मतलब इतना सुनसान हो जाता है। हमारी साइड में ज़्यादा था, अब थोड़ा हम शहर में एंटर हो गए ना, तो यहाँ पे थोड़ा था कम है। अब हीराबाद चल के देखते हैं। ये हमारा गरीबाबाद मतलब खाने के हिसाब से मशहूर, और हीराबाद भी खाने के हिसाब से मशहूर, खाने और खाने के रेट भी माशाल्लाह ऐसा सीन होता है, और रश भी बहुत होती है वहाँ पे। बीफ बिरयानी आजकल चल रही है, बड़ी मशहूर है ये, शहबाज पान कॉर्नर, मीठा पान मशहूर। अब चलते हैं, चल के हीराबाद में मिलते हैं, देखिए रसगुल्ले में मिलते हैं नहीं, और हमारी बाइक में पेट्रोल भी कम है, पता नहीं हो के आ जाएगी या रास्ते में बंद हो जाएगी। हमें इस साइड मुड़ना है हीराबाद के लिए। फाइनली हम हीराबाद पहुंच गए, और अब सामने सामने जो फूड स्ट्रीट है ना यहाँ की, वो थोड़ी सी आगे, और यहाँ का रोड थोड़ा सा ख़राब है। सेंटर में ये नाला है, इस साइड भी रोड है, इस साइड भी रोड है, वैसे तो ये पूरा रोड है पर अभी बना नहीं है ना, कारपेट होगा तो सही हो जाएगा। खैर, हीराबाद की फूड स्ट्रीट थोड़ी आगे, और अलार्म आ गए, सब कुछ बंद लग रहा है हमारे हिसाब से। 3 बज गए, सब फेरी के लिए चले गए होंगे। आपने यहाँ पे देखे हैं वैसे रसगुल्ले बनते हुए इस टाइम? मैंने पहले इससे पूछा नुमान के कहीं से मिलेगा, इसने कहा हाँ भाई हीराबाद चले और रात को गरम गरम रसगुल्ले निकलते हैं। चलो देखते हैं, ये आगे फूड स्ट्रीट, सामने ये गली, आगे वाली गली, और बंद हो रहा है सब कुछ। बिरयानी वाला भी चला गया, और सामने वो न्यारी, वो शहरी के लिए होती है, मतलब A1 चश के, सब पैसे गिन रहे हैं, मतलब जाने की तैयारियों में। फिर हमारा मोटो व्लॉग बन गया, ये होता है, ये बंद हो गया है, और इसके अलावा ये रोल रोल है, मायनीज वगैरह, बिरयानी मिल जाएगी, चिकन बिरयानी है अब तक, लेकिन मीठा नहीं है कहीं भी शहरी। फाइनली गुलाब जामुन मिल गए भाई, फाइनली गुलाब जामुन, और इनको लेके चलते हैं, वहाँ बैठ के खाएंगे। ये भी भाई मटर बिरयानी है, लेकिन यहाँ पे इतनी रश नहीं होती, बीफ बिरयानी। और हम फूड स्ट्रीट से निकल रहे हैं, तकरीबन सब कुछ बंद हो रहा है, शहरी का टाइम हो गया तकरीबन, क्योंकि सब बंद कर रहे हैं, मतलब सब अपने अपने पैसे गिन रहे हैं अभी, ये तो चलता रहता है। दोबारा भाई हम निकल गए हैं वापसी के लिए, और शहरी में तकरीबन अभी भी 1 घंटा है, मतलब घर पहुँचेंगे आराम से, उसके बाद शहरी बंद होगी। ये दोबारा गर्ल्स कॉलेज वाला ट्रेन लिया हमने, और यहाँ तो फुल अंधेरा कुछ नज़र नहीं आ रहा, और ये सामने शहबाज स्कूल, भगाते हुए जाएंगे, पुलिस वाले बैठा मैं भैया। सो फाइनली यार हम घर आ गए, और हमें वहाँ से एक शॉप खुली मिली जहाँ पे हमें आसानी से गुलाब जामुन मिल गया भैया, और हमने कहा उससे पूछ रहे हैं भाई यहाँ पे कुछ मीठा मिलेगा, उसने कहा क्या चाहिए, हमने कहा मिठाई चाहिए कुछ भी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, एक्स वाई जेड, कुछ भी। असल में वो थी स्वीट्स की शॉप, वहाँ पे हलवा पूड़ी चल रही थी सुबह, मतलब शहरी के लिए वो जल्दी लगा देना अभी, इसलिए वो चल रही थी। उन्होंने कहा अभी मिल जाएंगे गुलाब जामुन, हमने कहा गुलाब जामुन दे दो, उन्होंने दे दिए, हमने कहा कुछ भी दे दो, उन्होंने फिर गुलाब जामुन दे दिए, एक पाव ले लिया, 150 के 6 मिले हैं भैया। उसके बाद वापस आए, एक नुमान ने खाया, मैंने कहा खाओ भाई खाओ, उसने एक ही खाया, ज़्यादा खाया नहीं, 5 बज गए मेरे लिए। मैंने उसके बाद भाई दोबारा बन गया, मैं घर आ गया, अब जल्दी से जाऊँ शावर में, शावर लेके फिर सैरी करते हैं, फिर वहीं पर खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, उसके बाद आपको सुनाता हूँ डब्बे वाली कहानी। खैर मैंने सोचा आपको पहले डब्बे वाली स्टोरी सुना ही दूँ भाई। कहानी ये थी, जब आप अपना एक पार्सल बुक करते हो तो आप उसके लिए कितना एक्साइटेड होते हो। हाँ भैया मैंने भी अपना एक पार्सल बुक किया था, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था कि भाई मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। खैर मैंने एक ऑर्डर तो कर लिया, अब 1-2 दिन वेट किया, वहाँ से जब वो डिलीवरी करवा देते हैं, उन्होंने कहा कौन सी करवानी है, 1 दिन वाली करवानी है 2 दिन वाली, 1 दिन वाली भी 2400 डिलीवरी थी, और 2 दिन वाली में 1600, मतलब 2 दिन में मिल जाएगा 1600। अब जो बॉक्स था वो 20 kg का था, इतना उसमें सामान था, तो मैंने कहा चलो 2 दिन वाली करवा दो।
फिर 2 दिन नाली करवाई। जैसे ही दूसरा दिन शुरू हुआ सुबह सुबह मैं उठा उठा नहीं, मतलब सहरी के बाद मैंने उठा, मैंने कहा क्या करूँ। 10 बजे मैं गया, गाड़ी निकाली, उनके ऑफिस गया और ऑफिस की कहानी पहले आप चेक करें भैया। भाई गाड़ी का एसी चलाया और देखें कैसा फुहारा आया, फुल मट्टी है, देखें अभी भी आ रही है। ओ बस कर जाओ। खैर भाई ने गाड़ी निकाली और चेक करने जा रहा है, हमारा पार्सल क्यों नहीं मिला, मुझे नींद नहीं आ रही यार। इस गाड़ी की भाई आपको हिस्ट्री बताता हूँ मैं, अभी मुझे सही से चल भी नहीं रही क्योंकि ये गाड़ी हमारे पास साल पहले होती थी। भाई गर्मी भी ऐसी लग रही है और एसी तो इस गाड़ी में है ही नहीं, है मगर ऑन नहीं है, मतलब चलता नहीं है अभी, थोड़ा मतलब इसका काम वगैरह करवाने वाला है। खैर अब जब तक नई गाड़ी ना आए तब तक भाई इसको मजे लेते हैं। वैसे इस गाड़ी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है भाई, हमारी खानदानी गाड़ी रही है ये कोरे, डाई हार्ड सू कोरे इसका नाम है। मतलब मैंने ड्राइविंग भी अपनी इसी गाड़ी पे सीखी है, तवील अरसा, बड़ा तवील अरसा हमारे पास ये गाड़ी रही है। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी मतलब कोई थर्ड क्लास है ऐसे, मतलब ये मिड रेंज में कोई 5-6 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए में आपको इसका लास्ट मॉडल मिल जाता था, लास्ट मॉडल मिल जाता है। वैसे 2011 इसका लास्ट मॉडल है आई थिंक, 11-12 उसमें ये बंद हो गई है। सीएनजी पेट्रोल दोनों पे चलती है, बहुत एवन, और मतलब कच्चे पक्के रोड हो, जैसे भी ऑफ ड्राइव हो या ऑन ड्राइव हो, मतलब आपको शशके 11 शशके से चलती है। कंफर्ट लेवल इतना नहीं है, सिक्योरिटी सेफ्टी मतलब उस लेवल की नहीं है, उस लेवल की मतलब एयरबैग्स तो मतलब उसका तो नामो निशान नहीं है, पर मिडिल क्लास बंदे की बहुत अच्छी, मतलब GLI से कम नहीं है ये गाड़ी, एक मिडिल क्लास बंदे की। सो ये सीन है, अब हम चले अपना कुरियर रिसीव करें। मैंने अपनी ड्राइव भी इसी गाड़ी पे सीखी थी, लेकिन ये हमने अभी लिए कुछ ही दिनों में, 3-4 दिन पहले, इससे पहले कल्टस थी वो भी भाई दे दी, उस पर भी मज़ा नहीं आया। जब तक वो नहीं आती तब तक यही चलाते हैं। इस गाड़ी की एक और ख़ास बात है, इसको आप शहर में छोटी गलियों में आप कहीं भी लेके जा सकते हो भैया, कहीं आपको ठुकने का डर नहीं होगा। अगर लग भी गई तो भैया 100-200 रुपये में आपकी स्क्रैच फील हो जाएगी, आप मारते हुए भी इतना नहीं डरोगे, मतलब लो बजट गाड़ी है। मतलब इसके जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत 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 ऐसे, अगर भाई का ले आ जाएँ तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई इसके पार्ट्स और रिपेयरिंग बहुत सस्ती है, ठुक भी जाए तो कोई मसला नहीं, चिल सीन है। मेरा इतना इस पर हाथ भी सेट नहीं है क्योंकि अब इतने टाइम बाद आई है ना यार, उस टाइम पर ऐसी लेवल वाली होती थी, मैंने मतलब 100 पे तो इसको ऐसे बच्चों की तरह भगाते हुए लेके आता था, 100-120। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं मेहरान से तो मेहरान से भाई ये बहुत अच्छी गाड़ी है, ब्रेक में भी और कंफर्ट में भी, जंपर में भी, हर चीज़ में मेहरान से बहुत अच्छी है। मेहरान की तरह रीसेल मेहरान की तरह ही है तकरीबन इसकी, और मेहरान से काफ़ी अच्छी है, कम्फर्ट में भी, एसी भी अच्छा है उसके हिसाब से, और ब्रेक भी अच्छी है, ब्रेक भी काफ़ी अच्छी है और हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। पावर स्टेयरिंग ना इसका है ना मेहरान का है, पर मेहरान से इसका काफ़ी स्टेयरिंग अच्छा है। और आंखें भैया इसलिए लाल हो रही हैं क्योंकि सहरी के बाद सोए नहीं, सारी रात भी नहीं सोए, पार्सल रूम में रख के गाड़ी खड़ी करके उसके बाद भाई हम सोएंगे जुम्मे की नमाज़ पढ़ के। TCS कोरियर घूम रहे हैं भैया, अब हमारा भी TCS शायद आ गया हो और मैं जल्दी लेने आ गया, अगर वो देने आता लेट कर देता, पता नहीं आया भी है नहीं आया, मैं उसके चक्कर में जागता रहता। खैर इस TCS वाले ट्रक को देख के थोड़ी तसल्ली मिल गई कि पार्सल आना शुरू हो गए हैं, शहर के अंदर डिलीवर हो रहे हैं, सारा शहर बंद है। तकरीबन 10:20 या 10:20 का टाइम हो रहा है अराउंड, क्योंकि रमजानुल मुबारक चल रहा है ना, तो भैया आज सब कुछ हो गया। आज वैसे शहर में बहुत रश होने वाली है और आज 20वां रोज़ है, एहतिकाफ़ में भी बहुत सारे लोग बैठेंगे। पहले मेरा भी मूड था, मैंने अपने कज़न्स को कॉल की, फ्रेंड्स को कॉल की, मैंने कहा यार चलो यार सीन बनाओ चलते हैं, 10 दिन रह गए, कोई अल्लाह तौबा कर लें, कह रहे यार इस बार नहीं नेक्स्ट बार तो होंगे, हर किसी की अपनी मसरूफियात होती हैं। फिर मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो गया, रातों रात अचानक मूड बना और फिर ये सीन हो गया। बस सामने आ गया हमारा चार मिनट से हम राइट टर्न करेंगे, राइट टर्न करने के बाद फिर हम लेफ्ट टर्न करेंगे। सारे भी जितने भी डीलर्स हैं TCS कोरियर लिपर्ड MS सारे वहीं पे ही हैं, देखें आया है या नहीं, वहाँ से अपना आया है तो पिक करते हैं, गाड़ी में रखते हैं और लेके नौ तो 11 होते हैं। ये लिपर्ड वालों का है, साथ में TCS है ये वाला, और हमारा शायद वो सामने आया होगा, चेक करके आता हूँ। तो भाई मैं होके आ गया, ये सामने हमारा इसके थ्रू आ रहा है MS के थ्रू, और इन्होंने कहीं कहानी चेंज कर दी, कहानी डबल डाल दी, शीशा खोलो पहले, तो भाई ठंड लगे हमें, और इन्होंने कहा कि भाई हैदराबाद से शिपिंग निकल गई आपकी और इंशाल्लाह शाम तक आ जाएगी, नेक्स्ट डे आपको डिलीवर हो जाएगी, अभी चलें घर। उसने हमें एक नंबर दिया था, नमाज के बाद कॉल की नंबर पे नंबर ही बन जा रहा था भैया। थोड़ी देर बाद मैं लेटा, फिर मैं मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, पार्सल क्यों नहीं आया अब तक। फिर थोड़ी देर में नीचे दरवाजा बजा, अबू बकर गया खोलने के लिए, तो उसने पता नहीं खोला नहीं खोला, थोड़ी देर बाद दोबारा दरवाजा नोको, मैंने क्या हो रहा है भैया, तो मैंने कहा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, तो उसने कहा भैया पार्सल आया है। क्या है पार्सल है? अच्छा वालेकुम अस्सलाम, जी
पार्सल। उसके बाद भैया पार्सल मैंने उठाया अपने स्टूडियो रूम में रख के आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसको थोड़ा सा अनबॉक्स किया, अनबॉक्सिंग की थोड़ी सी वीडियो बनाई जो आप देख लो। हमारे जो पार्सल था वो पार्सल आ गया, ये कहानी थी इस पार्सल की जो कि ये। इसको जल्दी से हम अनबॉक्स करते हैं। ये भाई, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, सिटी और हाउस नंबर और फिर कॉन्टैक्ट और फिर ये जिनके थ्रू आया है MP, और ये मतलब शॉप नंबर और ये शॉप वालों का एड्रेस। ये 20 kg के उन्होंने उसमें बैंडल में भेजा है। इसमें हमारे बहुत सारे गैजेट्स हैं, सामान है। ये पड़ा है मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 34,000 का, या 32 point something, या 32 या 34, सही मुझे याद नहीं। अब 3-4 दिन पहले इसकी पेमेंट की थी 3 हिस्सों में, इसलिए सही याद नहीं है। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। हमारा कटर की तरह कट, यार इसका मैंने बड़ा इंतज़ार किया और मतलब काफ़ी दिन से मेरे पास इतनी सारी सेविंग्स पड़ी हुई थी। मैंने कहा कुछ मंगवा लेता हूँ, फिर मैंने ये सारी चीज़ें मंगवा ली। इस बॉक्स में ना बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। सो फाइनली भैया ये खुल गया। चश्के, ये आ गया पहले पहले हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन, चेक कर रहे हो, विथ फैंटम पावर सप्लाई के साथ। ये कंडेंसर माइक्रोफोन है और माइक है। उसके बाद ये क्या है, ये है एक, ये है अगेन, ये ग्रीन स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, ट्राइपॉड और ये क्या है, हाँ ये ग्रीन स्क्रीन का स्टैंड है। और इसके अलावा बैटरी जोंगिंग कैनन की, वो पता नहीं किधर है। चलो खैर इसको बाद में देखते हैं। फाइनली ये था हमारा सेटअप, इसको खोलते हैं पहले थोड़ा सा। तो ये थोड़ी सी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, उसके बाद भैया उसको रख दिया। अब हम ऐसे ऐसा करके उसको अनबॉक्स करते रहेंगे, एक एक चीज़, एक एक ब्लॉग, एक एक वीडियो बनाएंगे, अलग अलग सबके ट्यूटोरियल कराएंगे, सबके ट्यूटोरियल बनाएंगे। भाई इतनी सारी चीज़ें आ गई भाई हमारे एडिटिंग रूम के लिए। ये था इसका ब्लॉग। अब सैरी करें, गुलाब जामुन खाएं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है भैया। अल्लाह हाफिज़।